जनपद कासगंज में सदर कोतवाली क्षेत्र के मेन मार्केट में संचालित जय प्रकाश नर्सिंग होम में एक मासूम बच्चे के क्लिनिक के स्टाफ की लापरवाही की वजह से मौत हो गई, जिसके बाद मृतक मासूम के परिजनों ने क्लिनिक में जमकर हंगामा मचाया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामला शांत करने में जुट गई। आपको बता दें कि इस क्लिनिक पर आज से पहले भी इस तरह के कई मामले हो चुके हैं और आए दिन हंगामा भी होता रहता है, और आज फिर ऐसा मामला हाथरस जनपद के सिकंदरा राव थाना क्षेत्र के भटिकरा से सर्दी का इलाज कराने आए 2 वर्षीय मासूम शांतनु की अस्पताल के स्टाफ की लापरवाही की वजह से मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि सर्दी के लिए अस्पताल के स्टाफ ने भाप की मशीन लगाई थी और अस्पताल का कंपाउंडर बच्चे को मशीन लगाकर गायब हो गया और अन्य किसी स्टाफ के सदस्य ने बच्चे को 1.5 घंटे तक नहीं देखा, जिसकी वजह से मासूम शांतनु की मौत हो गई। वहीं मासूम की मौत के बाद उसके परिजनों और मां का रो रो कर बुरा हाल है। सीएमओ साहब, आप तो देखिए किस कदर कासगंज के अस्पताल का हाल है और डॉक्टर मरीजों से कैसा व्यवहार करते हैं। डॉक्टरों की लापरवाही से लोगों की जान जा रही है। हरवीर सिंह बताइए मुझे क्या हुआ डॉक्टर साहब के दुकान? डॉक्टर साहब के यहाँ पे ये हुआ कि बच्चे के न्यूमोनिया के लगा करके उनका कंपाउंडर छोड़ के चला गया लापरवाही। क्या लापरवाही, किस तरह की लापरवाही? ये थी कि कंपाउंडर ने बच्चे को देखा ही नहीं, लगाने के बाद छोड़ के चला गया। कितनी देर तक नहीं देखा था? 1.25 घंटे तक। अच्छा डॉक्टर साहब से बात हुई थी आपकी? डॉक्टर साहब थे नहीं उस टाइम। अच्छा सब कैसी, क्या दिक्कत क्या थी बच्चे को? बच्चे को सर्दी थी बस। क्या डॉक्टर ने बताया था आपको? हाँ डॉक्टर साहब ने बताया था कि बच्चे का जो टेस्ट होगा हमें टेस्ट के लिए नहीं था, अंडा एक्सरा के लिए बोला था। तो स्टाफ की लापरवाही सर।